नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है अनअकैडमी स्टूडियो एंड ग्रेव के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ एग्जाम 2019 के लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो एसएससी बार बार पूछता है, जिसमें एसएससी ने उन क्वेश्चंस को बार बार पूछा है, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अपनी टीम से मुलाकात करवाता हूँ। मेरी टीम के अंदर है उमाकांत शर्मा जी, मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं ये। फिर रीजनिंग की बात आती है, रीजनिंग के जो एडुकेटर है हमारी टीम के अंदर, विक्रमजीत चौधरी सर। जर्नल स्टडीज में काशिफ अंसारी सर हमारे साथ हैं। मैथमेटिक्स में सुनील बदनोई सर। मैथमेटिक्स में पवन राव सर भी हमारी टीम के साथ हैं। इंग्लिश एक्सपर्ट संदीप रावत सर भी हमारी टीम के साथ बने हुए हैं। और जर्नल साइंस के अंदर मैं अभिषेक सरोहा भी आप लोगों के साथ हमेशा आपके साथ रहने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मेरा जो नाम है अभिषेक सरोहा है, जो आप अच्छे से जानते हो, और मुझे लगभग 4 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो 4 सालों के अंदर मैंने एसएससी सीजीएल के लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। और इन 2 लाख स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। ये टेलीग्राम ऐप है, आप इस टेलीग्राम ऐप पे जाकर एसएससी एनग्रेव सर्च करें, और इसको एसएससी एनग्रेव सर्च करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। जितने भी हमारे एडुकेटर हैं उन सभी की टाइमिंग का शेड्यूल मिल जाएगा आपको, कौन सा टीचर किस टाइम ऑनलाइन आ रहा है, कौन सा टीचर आपको किस टाइम कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। साथ के साथ उनकी वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद ऑफलाइन मोड में उनको देख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप टेलीग्राम ऐप पर सर्च कीजिएगा एसएससी एनग्रेव, और अपनी स्टडी को अच्छे से स्टार्ट कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारी ऐप भी है प्ले स्टोर के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। कौन सी है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अपने फोन में इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद आप लोग डायरेक्ट क्या करें, अपने गोल को सिलेक्ट करें। आपका गोल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम को सिलेक्ट करते ही आपको बहुत कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यहाँ ये जो बेनिफिट है हमारे प्लस की, ये क्या मिलने वाले मेरे प्यारे बच्चों? आप अपने किसी भी फेवरेट टीचर की क्लासेस ऑनलाइन कर सकते हो। यहां पर आपको सारे के सारे डाउट क्लासेस लाइव मिलेंगे। इसके दौरान आपका जो रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एडुकेटर्स के साथ, वो बिल्कुल रियल रहेगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो हमारा एक, तो उस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, जितने भी एडुकेटर्स हैं हमारे, उन सभी की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, डाउनलोड करने को मिलेंगे। उन वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हो, और अपने रिविजन के टाइम उनको ऑफलाइन मोड पर फिर दोबारा से देख भी सकते हो। ये सारे बेनिफिट आप हमारे अनअकैडमी प्लस पर इजीली मिलेंगे आपको। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी अनअकैडमी है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है एसएससी सीजीएल के लिए। ये मॉक टेस्ट है हमारे, एसएससी सीएचएसएल के लिए भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ये हमारी टीम है, ये बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ये सभी टीम के अंदर है हमारी। मैं आपके सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करता हूं आपसे। मेरे प्यारे बच्चों, आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उसकी जो नॉर्मल फीस है वो कितनी है? 6000 है, 6000 रुपए। बट मेरा जो ये रेड कलर में आपको कोड दिखाई दे रहा है, एबीएस लाइव, अभिषेक सरोहा लाइव कोड,
यदि इस कोड के साथ आप जाना चाहोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। 10% का आपको क्या होगा यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी जो फी है वो फीस कितनी रह जाएगी, 5400, 5400 रुपये मात्र। ये कोड आप अप्लाई करने के बाद APS क्या रह जाएगी, अभिषेक सरोहा लाइव कोड अप्लाई करने के बाद आपकी फीस सिर्फ कितनी रहेगी, 5400 रुपये। ये था 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे भाई। अब बात करते हैं 2 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए। यदि किसी बच्चे को 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए जनरल फीस कितनी होगी, 9600 रुपये, जो एक नॉर्मल कोचिंग में, जो आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं उससे कहीं बेहद कम होती है ये फीस। आप इसमें भी मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो। वो कोड क्या है, ABS, बिल्कुल ना भूलें इस कोड को, ABS, अभिषेक सरोहा लाइव कोड। इसको आप अप्लाई करोगे तो फीस कितनी हो जाएगी आपकी, 8640 रुपीज, 8640 रुपये इसकी क्या रह जाएगी, फीस रह जाएगी आपके 2 साल के सब्सक्रिप्शन की। मतलब कि 400 रुपये महीना पड़ रहा है और उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये क्या है, सब कुछ आप लोगों के लिए है। और इसमें मेरी तरफ से ABS लाइव की तरफ, अभिषेक सरोहा लाइव से आपको क्या मिल रहा है, 10% का मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये थी सब्सक्रिप्शन की बात। आज हम बात करते हैं SSC में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो SSC CPO 2019 में आपकी बारी आने वाली है, SSC जो अपने एग्जाम के अंदर आपकी बार पूछने वाला है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम करते हैं सबसे पहले डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, गिव द नेम ऑफ लार्जेस्ट वेन, गिव द नेम ऑफ लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन का नाम बताओ। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों हम देखेंगे ये वेन क्या होती है। हम क्या देखेंगे, वेन को देखने वाले हैं कि ये वेन क्या चीज है। क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वेन को देखेंगे, वेन क्या चीज है, लार्जेस्ट वेन को देखते हैं हम लोग। आओ, जो वेन होती है आपकी, इसको हिंदी में कहा जाता है सिरा। सबसे बड़ी सिरा का नाम बताओ, चलो जल्दी बताओ, सबसे बड़ी सिरा का नाम। ये सिरा क्या है, पार्ट है किसका, ब्लड वेसल का। किसका पार्ट है बच्चे, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या होती है हमारी, रुधिर वाहिनी। क्या होती है, रुधिर वाहिनी। रुधिर वाहिनी वो होती है, ब्लड वेसल्स वो होती है जिनके अंदर हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता रहता है पूरी बॉडी के अंदर। और बेसिकली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो दो टाइप की होती है। बेसिकली जो ब्लड वेसल्स होंगी आपकी वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी हैं वो दो टाइप देखती हैं। सबसे पहला आता है, पहली तो वेन ही होती है और दूसरी कौन सी होती है आपकी, आर्टरी होती है। आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। और वेन को क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। देखो सबसे पहले बात, इसमें एक चीज और बता दूं, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सिर पर भी पाया जाता है और आपके पैरों तक भी पाया जाता है। इट मीन्स ये ब्लड है पूरी बॉडी के अंदर है और पूरी बॉडी में एक सर्कुलेशन में मूव करता है ना। तो इस सर्कुलेशन में मूव करने के लिए कोई ना कोई तो बॉडी ऑर्गन आपकी हेल्प करता ही होगा। और वो बॉडी ऑर्गन कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, हार्ट होता है। कौन सा होता है, ये आपका मासूम सा हार्ट होता है जो हेल्प करता है आपका हार्ट को, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर मूव करवाने में। आया समझ में, मतलब कि कहीं ना कहीं से इसके अंदर एंट्री कर रहा होगा ब्लड, कहीं ना कहीं से इसके अंदर एंट्री किया और इसी के अंदर से ब्लड फिर एग्जिट भी कर रहा होगा। तो ये दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक तो एंट्री करने का और एक निकलने का। और यही क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स। तो याद रखना, जिसके पीछे इन लगा हुआ है, जिसके पीछे इन लगा हुआ है, इनका मतलब अंदर, तो ये अंदर आने वाला रास्ता होगा, ये अंदर आने वाला रास्ता होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सिरा बोलते हैं।
जिसके आगे ए लगा हुआ है, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब अवे, अवे फ्रॉम द हार्ट, दूर हार्ट से। हार्ट से दूर कौन जा रहा है? ब्लड जा रहा है। तो यहां पर क्या होंगी? ये आर्टरी होंगी। यहाँ क्या होगी? आपकी धमनी होगी। आया समझ में? ये जो ब्लड गया हार्ट से निकल कर कहाँ जाएगा? अलग अलग ऑर्गन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाएगा। अब देखो यार, अलग अलग ऑर्गन के पास जाएगा तो आगे जाकर ये बटेगा ना ऐसे। ये क्या गया? बट गया। बट एक चीज देखो, ये जो आर्टरी है आगे जाकर डिवाइड हो गई, बट एक मेन आर्टरी तो एक ही थी ना, निकालने वाली सबसे बड़ी एक ही होती है ना। तो याद रखना, लार्जेस्ट आर्टरी कहाँ मिलेगी? हमेशा हार्ट के पास मिलेगी। लार्जेस्ट आर्टरी कहाँ मिलेगी? हमेशा हार्ट के पास मिलेगी। अब सिमिलर सेम बात आएगी, अब इनसे ब्लड को क्या किया जाएगा? कलेक्ट किया जाएगा। इनसे ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा वापस दोबारा से, और वो कहाँ भेज दिया जाएगा? हार्ट में ही तो भेज दिया जाएगा। ये कलेक्ट किया गया और ये वापस आया कहाँ? रहा है हार्ट में। तो देखो, लेकर कौन आती है? वेन लेकर आती है। ये तो बहुत सारी छोटी छोटी वेन है ना, बट ये सारी मिलकर एक बड़ी वेन बन गई। तो ये क्या हो गई आपकी? लार्जेस्ट वेन। क्या होगी ये? लार्जेस्ट वेन। कहाँ पर अवेलेबल है? हार्ट के पास। तो इनका नाम भी होगा कुछ ना कुछ। तो याद रखना, लार्जेस्ट वेन जो होती है इसका जो नाम होगा वेना कावा होगा। क्या होगा? वेना कावा, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। वेना कावा हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको महाशिरा बोलते हैं। हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे? इसको महाशिरा बोलेंगे। ध्यान रखना, लार्जेस्ट आर्टरी क्या होती है? आउटा होती है। महाधमनी क्या होती है? महाधमनी। महाधमनी लार्जेस्ट आर्टरी होती है, सबसे बड़ी धमनी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? गिव द नेम ऑफ, क्या पूछ रहा है? गिव द नेम ऑफ लार्जेस्ट वेन। लार्जेस्ट वेन के बारे में, किसके बारे में पूछा है? वेन के बारे में पूछा है। और वेन कौन सा है आपका? कहाँ है ये वेन? है आपका यहाँ पर। कहाँ है? ये वाला वेन। तो मैंने बताया था लार्जेस्ट कौन सी? वेना कावा। ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि ये आपसे पूछता मेरे प्यारे बच्चों किसके बारे में, और आर्टरी के बारे में, कि सबसे बड़ी आर्टरी मतलब कि सबसे बड़ी धमनी का नाम बता दो, तो सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या होने वाला था? आउटा होने वाला था, जिसको क्या कहा जाता है? महाधमनी। आया समझ में? अब एक चीज और बताऊं मैं आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, वो शायद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आने वाली है। तो उससे पहले ही बता देता हूं मैं आपको यहां पर, मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये भी पूछा जाता है, वेन में अक्सर किस प्रकार का ब्लड पाया जाता है? वेन में कैसा ब्लड पाया जाता है? वेन के अंदर। और धमनियों में कैसा ब्लड पाया जाता है? तो याद रखना, धमनियों में अक्सर क्या होगा? प्योर ब्लड पाया जाता है, शुद्ध रक्त। धमनियों में हमेशा क्या मिलेगा? शुद्ध रक्त मिलेगा, प्योर ब्लड। क्या मिलेगा? शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। वेन में अक्सर कैसा मिलता है? वेन के अंदर याद रखना, इम्प्योर ब्लड। कैसा मिलता है? इम्प्योर ब्लड। वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगी और आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करेंगी। आर्टरी हमेशा क्या करेंगी? प्योर ब्लड को, और वेन हमेशा क्या करेंगी? आपके इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगी। आया समझ? अब बात आती है, प्योर और इम्प्योर ब्लड होता क्या है? प्योर और इम्प्योर ब्लड ये होता क्या है? प्योर और इम्प्योर ब्लड होता क्या है? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफी कम हो जाए और ऑक्सीजन का अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाता है आपका? प्योर ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम हो जाए और ऑक्सीजन की मात्रा काफी बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? प्योर ब्लड कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर बात आती है इम्प्योर ब्लड की। इम्प्योर ब्लड कौन सा होता है? इम्प्योर ब्लड वह होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक हो जाए और ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाए। मतलब कि इसका अपोजिट हो जाए, यहां पर क्या हो जाए? इनका
अपोजिट हो जाए तो क्या कहलाता है, इम्प्योर ब्लड। प्योर जनरली बोल सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी कम होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्योर ब्लड बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जिसमें इम्प्योर ब्लड किसको बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड उसको बोलेंगे जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ी हुई होगी और ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होगी। आया समझ में मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, चलो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ध्यान रखना, लार्जेस्ट वेन कौन सी थी हमारी, वेना कावा। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी हो जाएगी, आयोटा हो जाएगी। वेन्स कौन सी होती है, जो ब्लड को कैरी करती है टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरी कौन सी होती है, जो ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट। क्लियर है। अक्सर सिराओं में कैसा ब्लड पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। और अक्सर धमनियों में कैसा ब्लड पाया जाता है आपका, जल्दी बताओ, प्योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइकप्सिड वॉल इज नोन एज, बाइकप्सिड किसके बारे में पूछ रहा है, बाइकप्सिड के बारे में पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, किसके बारे में पूछ रहा है आपसे, बाइकप्सिड। जल्दी बताओ मुझे इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है। चलो मुझे ये बताओ सबसे पहले, बाइकप्सिड को हम किस किस और दूसरे नाम से जानते हैं, बाइकप्सिड वॉल को, इसके दूसरे नाम बताओ सबसे पहले तो मुझे। बाइकप्सिड को मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल के नाम से भी जानते हैं। बाइकप्सिड है क्या ये आपकी, बेटा ये देवनली है, क्या है, देवनली। कहाँ होती है आपके, हार्ट के अंदर होती है, कहाँ होती है, हार्ट के अंदर होती है मेरे प्यारे बच्चों। इसका एक और नाम होता है, पहला नाम तो मिट्रल वॉल होता है और दूसरा नाम इसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एलएवी वॉल। क्या होता है, एलएवी वॉल। पहला मिट्रल था तो दूसरा लेफ्ट ओरिकल वेंट्रिकल वॉल भी कहा जाता है इसको, लेफ्ट ओरिकल वेंट्रिकल वॉल भी कहा जाता है, लेफ्ट ओरिकल वेंट्रिकल वॉल भी कहा जाता है इसको। कोई डाउट यहां तक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलएवी वॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलएवी वॉल। कोई समस्या नहीं है। ये तो थे बाइकप्सिड के नाम, ये पाई कहा जाती है और इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसके दो नाम थे, दोनों मैंने बता दिए आपको, तो ऑप्शन तो आपको मिल गया, कौन सा ऑप्शन है आपको, ए ऑप्शन है। बट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये कि बेटा ये मिलती कहाँ है, मिलती कहाँ है, तो देखो मैं बता देता हूँ, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। हार्ट के पास कितने चैम्बर होते हैं बेटा, चार चैम्बर होते हैं। जो पहला चैम्बर होता है वो होता है राइट ओरिकल, पहला कौन सा होता है, राइट ओरिकल बेटा। दूसरा कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, नीले। ओरिकल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा, आलिंद। इस तरफ सेम रहेगा, सिर्फ लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट ओरिकल आलिंद। और इस तरफ क्या होगा, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल नील। तो याद रखना, जो बाइकप्सिड पाई जाती है वो यहां पर पाई जाती है, बाइकप्सिड लेफ्ट वाले पार्ट के बीच में कहां पाई जाती है, यहां पर मिलेगी। यहां क्या मिलेगी आपको, इन दोनों के बीच में, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको जो मिलेगी वो मिलेगी बाइकप्सिड वॉल। क्या मिलेगी, बाइकप्सिड वॉल। क्या मिलेगी आपकी, मिट्रल वॉल मिलेगी। क्या मिलेगी, मिट्रल वॉल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दिवनली बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दिवनली बोलेंगे, दिवनली। कोई समस्या आया है आपको बेटा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है तो पता लग गया। चलो राइट साइड कौन सी होती है, इस तरफ भी बता देता हूं मैं आपको, एक और वॉल होती है इसके अंदर,
क्या होती है, एक और वॉल होती है यहां पर क्या होगी, एक वॉल और होगी जिसका नाम क्या होता है यहां पर, ट्राई कैप्सेट, क्या होता है ट्राई कैप्सेट, ट्राई कैप्सेट वॉल, आया समझ में? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुवनली बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, त्रिभुवनली बोलते हैं। कोई दिक्कत है आपको, कोई समस्या इस क्वेश्चन के द्वारा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन विच ऑफ फॉलोइंग चैम्बर्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्योर ब्लड, निम्नलिखित में से किसके पास मैक्सिमम अमाउंट में प्योर ब्लड पाया जाता है, प्योर ब्लड का मतलब इन द सेंस शुद्ध रक्त पाया जाता है, और किसकी बात कर रहा है ये, चैम्बर्स की बात कर रहा है मेरा बेटा, भूलना मत, ये बात किसकी कर रहा है, चैम्बर्स की, और किस चैम्बर में किसकी बात कर रहा है ये, आपके शुद्ध ब्लड की, किसकी, प्योर ब्लड की, किसमें बात कर रहा है, चैम्बर्स में, और चैम्बर्स किस में पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं। तो जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में टोटल नंबर ऑफ चैम्बर, जल्दी ऑप्शन दो मुझे, जल्दी जल्दी करो बेटा जल्दी, कितने होते हैं, चार होते हैं बेटा, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होंगे, फोर होंगे, ये वो हार्ट के चार चैम्बर होते हैं जो मैं अभी बताया था अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में, क्या होते हैं, चार चैम्बर होंगे, जो पहला चैम्बर होगा आपका हार्ट का, कौन सा, पहला चैम्बर होगा, इधर देखो सारे के सारे, फर्स्ट जो होगा उसको क्या बोलते हैं हम, राइट ओरिकल, क्या बोलते हैं, राइट ओरिकल, मतलब कि इसे क्या कहा जाएगा, आलिंद कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आलिंद। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दूसरे चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे क्या कहा जाता है, निलय कहा जाता है। इस तरफ कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो थर्ड चैम्बर होगा उसमें लेफ्ट आ जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सेम रहेगा जो है ओरिकल। फिर बात आती है फोर्थ की, फोर्थ में भी सेम रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, निलय, वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं, और ओरिकल को क्या बोलते हो आप लोग, आलिंद बोलते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देता हूं कि जो आपका ब्लड एंटर करता है आपके हार्ट में, ये क्या है, हार्ट के चारों चैम्बर हैं, ये क्या है आपके, इस मासूम से हार्ट के चारों चैम्बर है जिसके साथ आपने काफी खिलवाड़ किया है, ये आपके हार्ट के क्या है, चारों चैम्बर। तो याद रखना, जो इम्प्योर ब्लड एंट्री करता है सबसे पहले वो कहां से करता है, ओरिकल से करता है, क्या करता है, ओरिकल से, यहां से सबसे पहले एंट्री करेगा। ये क्या होती है आपकी, ये वो वेन होती है, वेना कावा, जो मैं बता रहा था आपको, यहां कैसा ब्लड जाएगा, इम्प्योर ब्लड जाएगा यहां से। तो याद रखना, यहां से तो एंट्री की, जो इम्प्योर ब्लड इसमें पाया जाएगा वो काफी कम अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में होगा, बट इकट्ठा कहाँ हो जाएगा, वो वेंट्रिकल के अंदर हो जाएगा, इकट्ठा कहाँ हो जाएगा, वो इस वेंट्रिकल में हो जाएगा। तो याद रखना, राइट साइड में अक्सर क्या पाया जाता है, इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, और इम्प्योर ब्लड वेंट्रिकल में कैसा पाया जाएगा, स्टोर्ड फॉर्म में पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, स्टोर्ड फॉर्म में पाया जाएगा। तो सर्वाधिक इम्प्योर ब्लड किस में होता है, तो याद रखना, सबसे ज्यादा आपका इम्प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, राइट वेंट्रिकल में होता है, किस में होता है, राइट वेंट्रिकल, आया समझ में? हमें तो क्वेश्चन किसका पूछा गया है, प्योर का ना। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, प्योर ब्लड हमेशा किस में पाया जाता है, लेफ्ट साइड में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, लेफ्ट साइड में। प्योर ब्लड जो यहाँ आता है वो पुलमनरी वेन्स के द्वारा आता है, जो प्योर ब्लड आएगा यहाँ वो किसके द्वारा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, पुलमनरी वेन्स के द्वारा, सिराओं के द्वारा आएगा। जो आपका लेफ्ट ओरिकल होता है ये सिर्फ प्योर ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है, प्योर ब्लड को सिर्फ क्या करता है, रिसीव करता है, ग्रहण करता है,
उसके बाद प्योर ब्लड कहाँ चला जाता है, आपका वेंट्रिकल में चला जाता है। किस में चला जाता है? वेंट्रिकल में। और यहाँ पर क्या होता है, जो प्योर ब्लड होता है वो स्टोर्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? स्टोर्ड फॉर्म में होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो कौन सा रहने वाला है भाई, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रहने वाला है। कौन सा रहेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन इसके अंदर डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। यहां तक किसी को डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस सेशन के अंदर हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम आपसे जल्द ही मुलाकात करते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे लाइव कोड को ना भूलें। मेरा लाइव कोड क्या है? ABS लाइव, अभिषेक सरोहा लाइव कोड है। आप इस पर जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मेरा। इस मेरी वीडियो पर कमेंट करें और लाइक करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना अभिषेक। आप लोगों का एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आप लोगों का। आपका अभिषेक। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।